असलमस वीवर्स में उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे आज के वी लाग में मैं आपको लेडी एम्ब्रेस्ट फीजेंट की फार्मिंग के बारे में बताऊँगा बाकी फीजेंट्स की तरह लेडी एम्ब्रेस्ट फीजेंट की भी फार्मिंग बड़ा ही आसान काम है कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है बड़ा ईजीली ये केज के अंदर ब्रीड करने वाला परिंदा है और जिस तरह लेडी रेड गोल्डन येल्लो गोल्डन रीज फीजेंट उसी तरह ही लेडी एम्ब्रेस्ट फीजेंट भी बड़ी आसानी के साथ केज के अंदर ब्रीड करता है और लेडी एम्ब्रेस्ट फीजेंट की स्पेशलिटी uh, ये समझें कि ये बाकी बर्ड्स से इसकी अगर आप रेड गोल्डन की फार्मिंग कर रहे हैं येलो की कर रहे हैं आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे इतने ही होंगे जितने आप लेडी एमरस की फार्मिंग के लिए कर रहे हैं या फिर रेड गोल्डन येलो गोल्डन की खुराक का खर्चा भी तकरीबन सेम है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और बाकी केज का साइज़ भी तकरीबन उतना ही चाहिए होगा लेकिन अगर आप आठ बाई आठ का आठ uh, मतलब लेंथ होगी आठ वथ होगी अगर इस साइज़ का केज देते हैं तो इसमें लेडी एमरेस्ट फीजेंट जो है बड़ी अच्छी ब्रीड कर जाता है थोड़ी सी इसकी टेल जो है थोड़ा साइज़ बॉडी का स्ट्रक्चर रेड गोल्डन येलो गोल्डन से बड़ा है इस वजह से आप आठ बाई आठ का दस बाई दस का दस बाई आठ का इस तरह केज दे दें और आइट कोशिश करें छः फीट से ऊपर ऊपर हो उसकी बड़ी वजह यह है कि जब शदीद सर्दी पड़ती है और शदीद गर्मी पड़ती है तो मोस्टली लोगों ने जो छत के ऊपर चादरें लगाई होती है लोई की तो फिर नीचे सर्दी गर्मी काम आ रही होती है तो आइट दें ऊपर आइट के ऊपर फिर इसकी स्टिक्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं ताकि परिंदे को एक्सरसाइज भी मिलती रहे और फिर ये बर्ड्स आपके बड़े अच्छे तरीके से केज के अंदर रहेंगे और अब इसकी फार्मिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो जो केज वग़ैरह आप बनाएंगे ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी या आप पे डिपेंड करता है आप कितनी कम से कम कास्ट में बनाते हैं बड़े अच्छे केज बनाते हैं तो ज़्यादा कास्ट में पड़ जाएंगे और कोशिश करें सिंगल स्टोरी बनाएं डबल पोर्शन केज ना बनाएं उसकी मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए सिंगल जिस तरह ये आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं बिल्कुल सिंगल स्टोरी केज बनाएं और इससे फिर आपकी आपको बर्ड्स को मैनेज करना आपके लिए बड़ा आसान काम है क्योंकि बर्ड्स की सफाई का ख्याल रखना फिर बाकी जब ब्रीडिंग सीजन में एग्ज आएँगे आपके पास उनको कलेक्ट करना ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं अगर आप सिंगल स्टोरी या सिंगल पोर्शन के एज बनाएंगे और फिर इसके बाद अगर इसकी आप कोशिश करें जब आप फार्मिंग की तरफ जाएं आप एक पेड़ बिल्कुल भी ना रखें आप दो तीन चार पाँच मैक्सिमम जितने आप रख सकते हैं तो एक दफ़ा आप रिस्क लें आप चार पाँच पेड़ उठाएँ उसके ऊपर आप काम करें क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि एक पेड़ लिया दो लिया फिर ये चीज़ भी साथ लगी रहती है पहले आप जब भी काम स्टार्ट करें पहले आप लॉस का सोचें फिर प्रॉफिट का सोचें अब मसला ये बनता है हम सब पहले प्रॉफिट का सोच लेते हैं लॉस का तो सोचा नहीं होता फिर अनफॉर्चुनेटली अगर एक आदमी बीच में से बाढ़ मार जाए तो हमारा सारा जो साइकिल है वहीं पर स्टॉप हो जाता है तो आप कोशिश करें चार पाँच पेयर्स लें उसके ऊपर काम करें और बीस से पच्चीस हज़ार की रेंज में आपको तीन चार महीने एज वाला अच्छी अच्छी क्वालिटी का जो बर्ड्स होंगे इस बीस से पच्चीस हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएंगे बर्ड्स बड़ी जो हंड्रेड परसेंट मतलब पेयर होंगे बर्ड्स बाकी क्रास ब्रीड का तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप उसकी तरफ देखें भी ना बिल्कुल भी आपने क्रॉस ब्रीड बर्ड्स तो किसी से परचेज़ करने ही नहीं है लेडी एमरस का बाद में बड़ा इशू बनता है इसमें मोस्टली फिर बाद में बच्चों में लोगों को पता नहीं होता तो वो अब जिस जो अच्छे लोग काम हैं मार्केट में उनसे परचेज करें और गारंटी के साथ परचेज़ करें उनसे ये बात पहले आप क्लियर कर लें अगर इसमें कोई भी मसला आया बाद में तो आप ज़िम्मेदार होंगे तो इस तरह आप परचेज़ करें बर्ड्स को फिर उसके बाद केज आपने बना लिए तो और फिर कोशिश करें एक मेल के साथ अगर दो फ़ीमेल लगा सकते हैं तो ये भी बहुत बेस्ट हो जाएगा लेकिन मोस्टली जो जब आप परचेस करेंगे आपको दो फ़ीमेल्स नहीं मिलेंगी आ, क्योंकि फीजेंट्स में यह चीज़ बड़ी देखी गई है कि मेल ज़्यादा आ जाते हैं और फीमेल्स कम आती हैं और आप कोशिश करें फिर एक एक अगर पेयर भी आप ले लेते हैं तो पांच पेड़ आपने ले लिए हम बीस हज़ार की लगा लेते हैं तो पांच पेड़ आपने लिए एक लाख रुपए के और फिर ये तकरीबन जब आप स्टार्ट वाले चिक्स लेंगे ये एक साल के अंदर ही आपके पास ब्रीड कर जाएंगे जब आपके पास एक साल बाद ब्रीड करके तो दस बच्चे आराम से एक फीमेल से आपको मिल सकते हैं दस बच्चे सर्वाइव करके सेल करने तक अगर आपके पास पहुंच जाते हैं ये आपकी बड़ी कामयाबी है फिर एक फ़ीमेल से अगर दस बच्चे लगा लें तो आपके पास पाँच पेयर हैं और पाँच फ़ीमेल से आपके पास आ गए जी पचास बच्चे और पचास बच्चे फिर आपने इसी प्राइस में आप सेल करें दस हज़ार का एक बच्चा आप सेल करें और दस हज़ार का अगर आप एक बच्चा उसका सेल कर जाते हैं तो पचास का आप हिसाब लगा लें आप कितने आपके पास पैसे आ जाएंगे और अगर आपके पास दो दो फीमेल्स हैं तो पाँच पिंजरों के अंदर आपके पास समझे पाँच सेट हो गए तो दस फीमेल्स से वो प्रोडक्शन भी आपकी डबल हो जाएगी और इनका सबसे अच्छी बात यह है कि लेडियम रेस्ट रेड गोल्डन येलो गोल्डन फीजेंट्स जितने भी हैं इनके जो डाइट के ऊपर आपके बाकी इतने खराजात नहीं हैं क्योंकि ये बीमार बहुत कम होते हैं तो आपकी मेडिसन भी बिल्कुल भी उस तरह मेडिसन के ऊपर भी आपके खर्चे नहीं होंगे और दूसरा यह है कि इनकी खुराक का खर्चा बहुत कम है बाकी अगर आप इसके मुकाबले पोल्ट्री का, का काम कर रहे हैं तो वो तो जितने आप अखराज करेंगे तो फिर प्रॉफिट का मार्जिन भी उस तरह कम होता जाता है और दूसरा उसमें उस फील्ड में इस टाइम जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से फिर आगे उसका उसके चिक्स को सेल करना भी एक बड़ा अजाब बन जाता है तो आप कोशिश करें ऐसे बर्ड्स की फार्मिंग करें जिसका अभी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और जो लंबे अरसे तक चलने वाला काम है अब जिस तरह पैरट्स की फील्ड है वो दस पंद्रह साल से आपने देखा होगा बिल्कुल भी उसके प्राइस जो है ऊपर जा रही हैं नीचे नहीं आ रही और इस तरह फिजेंट्स की फील्ड है जो तो कोशिश करें ऐसी फील्ड का कर इंतखब करें बेशक आप लेट कामयाब हों अपनी फील्ड में आपको चार साल लग जाते हैं पाँच साल लग जाते हैं लेकिन काम आपका फिर पायदार होना चाहिए फिर ऐसा ना हो कि आप बड़ी मुश्किल से आप जब सारा काम सीख के हैं तो बाद में पता चलता है कि इसकी तो मार्केट ही नहीं है इसको तो लेने वाला ही कोई नहीं है ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें ना ही अपना टाइम ज़ाया करें टाइम सबसे कीमती चीज़ है कोशिश करें अपना टाइम ऐसे बर्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करें अपना जो आपके पास जो कीमती सरमाया है उसको भी ऐसे बर्ड्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करें जिससे कल को आपको फ़ायदा होगा ना कि आपका टाइम भी ज़ाया आपका जो सरमाया वो भी ज़ाया हो जाए और कोशिश करें जितने मुश्किल बर्ड्स हैं बाकी भी रेयर स्पीशीज़ जितने भी फीजेंट्स की हैं उनके ऊपर आप काम करें इंसान के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है कोई काम नामुमकिन नहीं है आप करें बड़े आराम से आप एक दफ़ा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें बड़े आराम से आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं और बड़े अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे बहुत अच्छा आपका एक रोज़गार का ज़रिया भी बन जाएगा और फिर आजकल तो बड़ी आसानी यह है कि सोशल मीडिया उसके बाद फिर आप गूगल पर हर चीज़ मतलब या फिर आपको रिसर्च आर्टिकल्स आप देख लें बाकी चीज़ें देख लें तो आपको बड़ा एक नॉलेज हर जगह से मिल रहा होगा तो पहले फार्मिंग किसी भी चीज़ की मुश्किल काम था आज से दस पंद्रह साल पहले तो जबकि अब आप तो आपको इंटरनेट पर हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है और आप बड़े आसानी के साथ बहुत कम नुकसान करके बहुत कम टाइम में आप बहुत आगे जा सकते हैं तो दुआओं में याद रखिएगा और कोई चीज़ भी आपने पूछनी हो समझना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस चैनल का भी खास तौर पर ख्याल रखें और मैं कोशिश करूँगा टाइम के साथ साथ बाकी फीजेंस की फार्मिंग के वाले से भी आपको बताऊँ और ये बड़ा मैंने बड़ा आसान सा एक आपको तरीका बताया है कोई मुश्किल काम नहीं है और अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी आप शौक़ से काम करेंगे आप नुकसान को कम से कम करेंगे तो ये प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होता जाएगा और कोशिश करें आप सीजनस की खुराक में भी आर्गेनिक इसकी इसको खुराक दें कमर्शियल पोल्ट्री की फ़ीड जो है बिल्कुल भी इसे ना दें तो उससे तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल आर्गेनिक फीड की तरफ रखें और जो भी घर में आपके सब्ज़ी फ्रूट रूटीन में आ रहा होता है तो वो भी इसे खाने के लिए ऑफ़र करें तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा बाकी ब्रूडी एन का आप इस्तेमाल करें वो एक नेचुरल तरीका है तो उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब आपके पास चिक्स निकल आएँ तो उन्हें आप खुद ब्रूडर में पालें लेकिन निकालें आप बच्चों को एन के नीचे और इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपको समझना आए कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं बाकी चीज़ों की बाकी फीजेंट्स की मोर की फार्मिंग से रिलेटेड भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा बेसिकली मेरा मकसद आपको मोटिवेट करना आप काम करें बाकी इधर उधर की जो लोग बातें सुना रहे हैं इतने लगाएं, इतने कमाएं ऐसा कुछ भी नहीं आई आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है तो दुआ में भी याद रखिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़